नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके। असम के सीएम हिमता बिस्वा सरमा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सरमा ने कहा कि चंपई सोरेन की जासूसी हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने ऐसे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को दिल्ली पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है। असम के सीएम भाजपा की ओर से झारखंड के सह चुनाव प्रभारी भी हैं। हिमता ने कहा कि इन दोनों के नाम और उनकी तस्वीर मेरे पास है, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर रहा क्योंकि संभव है कि वह किसी और नक्सल ऑपरेशन या किसी मामले की जांच में हो। हिमता बिस्वा सरमा ने कहा कि पूछताछ में दोनों ने आईजी प्रभात कुमार का नाम लिया। उनके कहने पर ही दोनों सब इंस्पेक्टर जासूसी कर रहे थे। संभव है कि चंपई सोरेन का फोन टैप भी हुआ है। दोनों फ्लाइट में चंपई सोरेन के साथ यहाँ आए और चंपई जहाँ ठहरे थे उसके पास ही होटल लेकर रह रहे थे। चंपई सोरेन को कई बार एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उनकी तस्वीरें ले रहा है। चंपई सोरेन ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। हिमता बिस्वा सरमा ने कहा कि ये गलत परंपरा है, यह एक बड़ा मुद्दा है। प्राइवेसी को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश है। दोनों व्यक्ति इस वक्त चाणक्यपुरी थाने में हैं। यह संवैधानिक भारत में नहीं हुआ। मेरा संदेश है कि फ़ोन टैप भी हुआ होगा। अगर किसी ने पूरी फंडिंग की है, फ्लाइट में आने की फंडिंग की है, होटल में ठहरने के लिए फंडिंग की है, तो ये कितना बड़ा मामला है आप समझ सकते हैं। 30 अगस्त को रांची में राज्यपाल से मिलकर इस मामले से अवगत कराया जाएगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।